आइए में जो कार्यकर्ता है जिला अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष, ये लोग ने विधानसभा अध्यक्ष, ये लोगों ने मिलकर गलत किया है। यानी उसमें कह रहे MIM के मुखिया का कोई किरदार नहीं? नहीं, मुखिया कोई किरदार नहीं, मुखिया की तो जानकारी ही नहीं था। एक जगह जय हिंद साथियों, इस वक्त हम मुबारकपुर विधानसभा के अंदर खड़े हैं अमदही गांव में, और हमारे साथ जन अधिकार पार्टी के जो यहां के प्रत्याशी हैं विधायक पद के और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा से भी जुड़े हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे राम दुलारे राजभर जी से। राजभर जी, जैसा आप क्षेत्र के अंदर दौरा कर रहे हैं तो आपको क्या महसूस हो रहा है? पहले मैं आपका आपके चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप ढूंढते अंदर गाँव में चले आए, पूछते ही आए। अच्छा, पियरका चाचा के पास नहीं गए? नहीं, हाँ, ये अच्छा कहा आपने कि आज जैसे एक जगह पे स्वामी प्रसाद मौर्य और राजभर जी भी आ रहे हैं और दूसरी जगह पर वही पर मायावती भी आ रही हैं और वहीं आप क्षेत्र के अंदर भी निकले हैं, तो इसके बारे में आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हम तो अपने क्षेत्र में, हमको जो आदेश है कि आप जन जन चलिए, तो हम अपना काम कर रहे हैं। अब पियरका चाचा की बात रह गई तो पियरका चाचा समाज के ठेकेदार बन चुके हैं। कौन पियरका चाचा? माननीय ओम प्रकाश राजभर जी। अच्छा, वही पियरका चाचा है, दूसरा कौन है? तो उनको पियरका चाचा का लकब दिया गया है। उनको तो हम लोग 2 साल से उनको पियरका चाचा का पद भी दिया गया है कि वो समाज के ठेकेदार हैं सिर्फ। अगर समाज के ठेकेदार नहीं रहते तो आज जानते हैं कि यहाँ से एक राजभर समाज का लड़का चुनाव लड़ रहा है, तो विरोध की बात नहीं आ करते। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर यादव और राजभरों के अंदर कुछ झगड़ा भी हुआ था? झगड़ा देखिए, यहाँ पे मुबारकपुर विधानसभा के अंदर ग्राम सभा है भटगावा, वहाँ पे राजभर थे बेचारे, 15-20-25 घर हैं लोग, उन लोग के वहाँ के यादव समाज के जो लोग थे बहुत दौड़ा दौड़क मारे, बहुत मारे। वहाँ पे न पियरका चाचा गए बचाने के लिए, न तो हमारे MLC साहब गए राम जतन जी, वहाँ कोई गया ही नहीं, उसके बारे में एक बार भी चर्चा नहीं निकली। अब वोट के लिए दौड़ रहे हैं, समाज का ठेकेदार बने, समाज को बुला के एकत्री करें, भीड़ भाड़ जमा कर रहे हैं, सब जमा करने के बाद उनको बता रहे हैं कि आप साइकिल पर वोट कर दीजिए। अरे, आपकी छड़ी वोट लायक नहीं है मुबारकपुर विधानसभा में? अगर आप समाज के ठेकेदार, समाज के मसीहा हो, समाज आपको जानता है, तो आप छड़ी से चुनाव लड़िए, आप अपना एक प्रत्याशी दीजिए। अगर हम लोग उसका समर्थन नहीं करेंगे फिर हमको बताइए आप। लेकिन राजभर जी तो कहते हैं कि मैं भरों के हित की बात करता हूँ। तो हित की बात तो आज नहीं, कभी से करते हैं। कौन सी बात की है हित की, बताएं? कौन सा काम के किसी राजभर के घर में गए हैं तो बताएं कि नहीं, किसी को मैंने दिया हूँ, आवाज दिया, चाहे कुछ किया, चाहे कुछ भी, कोई काम नहीं किए हैं। बस ये है कि समाज को जागरूक किए हैं उन्होंने, उनका योगदान है समाज के साथ में कि समाज को बढ़ावा दिए, समाज का नाम रोशन किए हैं। मगर समाज को आज, हमारे समाज को नाम रोशन करने की जरूरत नहीं है, आज हमारे समाज को नेता पैदा करने की जरूरत है, ताकि नेता जो पैदा होकर तो विधानसभा में जाए। हमको अपना अधिकार चाहिए। जब जाएंगे नेताजी के साथ में, जब लोग जाएंगे 10 जन यहाँ से चुन के, तो नेताजी का मनोबल और ऊंचा होएगा, तब और लड़ाई लड़ेंगे, जो अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, इनको अकेला लड़ने से इनको अधिकार नहीं मिलने वाला है। अच्छा, जैसे सारी ही पार्टियों के, जैसे अभी कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आए थे, आज मायावती जी आई है, वहां अगर देखा जाए तो राजभर और स्वामी प्रसाद मौर्य आए, यहाँ देखा अगर मऊ साइड में देखा जाए तो शायद मेरे ख्याल से बलिया या मऊ में प्रधानमंत्री भी आए, तो क्या बाबू सिंह कुशवाहा भी आएंगे? यहाँ देखिए, बाबू सिंह कुशवाहा जी तो आने वाले हैं, क्योंकि 3-2-3-4 को असदुद्दीन अवैसी भी आ रहे हैं, आ रहे हैं। मगर यहाँ देखिए कि क्या है कि आज मुबारकपुर विधानसभा में समीकरण थोड़ा गड़बड़ हो गया है। एक ही विधानसभा से एक ही पार्टी से 2 प्रत्याशी हो गए। जब यहाँ गठबंधन है तो गठबंधन का प्रत्याशी राम दुलारे राजभर जी, जो स्वयं में हूँ, उसके बाद जब पर्चा दाखिल होता है तो उस दिन आते हैं माननीय विधायक जी हमारे गुड्डू जमाली साहब। जब जमाली जी आ जाते हैं तो आने के बाद हम लोग का संयोग खत्म हो जाता है यहाँ के जो राज्य थे। तो उसके लिए अभी बाबू जी कहना है कि अगर उनका रैली होगा कार्यक्रम तो हम आपका भी कार्यक्रम देंगे, और नहीं अन्यथा हम दोनों का ही कार्यक्रम रद्द करेंगे। नहीं, जैसे अभी ये सुनने में आ रहा है कि 2 और 3 को वो मुबारकपुर में रहेंगे असदुद्दीन अवैसी, और 4 तारीख को चेक पोस्ट पे उनका प्रोग्राम है। प्रोग्राम 4 को है, अगर उनका होगा तो हमारा भी होगा साथ में। तो इसका दोषी आप किसको मानते हैं? गुड्डू जमाली को? नहीं नहीं, जो आप जो यहाँ से 2 प्रत्याशी हुए आपके विधानसभा से, ये तो MIM जो कार्यकर्ता है जिला अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष, ये लोग ने विधानसभा अध्यक्ष, ये लोगों ने मिलकर गलत किया है।
यानी उसमें कह रहे एमआईएम के मुखिया का कोई किरदार नहीं? नहीं, मुखिया कोई किरदार नहीं, मुखिया तो जानकारी ही नहीं था। ये जमाली साहब को मालूम है चीजें कि उनके साथ में धोखा हुआ है। अगर ये जमाली साहब को पहले बोलते कि नहीं रामदुलार आज भाई मैनेज नहीं होने वाले हैं, मैनेज नहीं होने वाले हैं, तो अपना पर्चा उठा लिए होते। मैं इन्होंने क्या बोला, सोचे कि राजभर का लड़का है वो मैनेज हो जाएगा पैसों पे, मगर हम पैसे से सम्मान पे अपना सम्मान की जरूरत है। आज हमारे साथ में जो है हमारे पूरे ग्राम सभा के लोग, हमारे क्षेत्र के लोग चल रहे हैं भीड़ इकट्ठा करके, क्या हम समाज को दिखा के पैसा उठा लें? हमको चुनाव लड़ना है, हमको पैसा नहीं चाहिए। हमने बोला जमाली साहब को कि आपको लड़ना, आप लड़िए, फ्रेंडली चुनाव करिए, आप अपने प्रत्याशी हो जाओ, मैं इधर से हो जाता हूँ। अच्छा, आप किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं? मुद्दा हमारा देखिए ये है कि स्वास्थ्य हो गया, और अपना शिक्षा हो गया, और अपना जो क्रिकेट का मैदान वैदान है, ये सारी चीजों की व्यवस्था कराना है, 100 बेड का हॉस्पिटल बनवाना है, ये सब काम लोग करेंगे यहाँ क्षेत्र में, जम के काम करेंगे। जैसे ये कहते हैं कि गुड्डू जमाली ने बहुत विकास किया, बहुत विकास किया। तकरीबन 1 हफ्ता या 10 दिन पहले आपसे मेरी मुलाकात हुई थी मुबारकपुर में, लेकिन आपके मुबारकपुर के रोड पे आने के बाद मैं अपना कपड़ा उठा के नहीं दिखा सकता, नहीं तो मैं अभी भी कह रहे बेल्ट लगा के घूम रहा हूँ। तो 10 सालों में विकास नहीं हुआ, अब वो विकास की बात करते हैं। आप जब गए थे वहाँ पे, जो विकास हुआ तो देखे थे ना, अशरफिया के पीछे, अशरफिया के पीछे आपको जाने के लिए 1.5 फीट का भी रास्ता नहीं था, जो कि आप गाड़ी है आप रोड पे खड़ा किए थे, वहां से पैदल चल के गए थे, वहां भी राजभर लोग रहते हैं। तो इनका जो विकास है वो जनता को मालूम है, वो चट्टी चौराहों पे नहीं विकास होता है। जो विकास आप ग्राम में घूम रहे, ग्रामीणों में जाइए, ग्राम सभा में घूमिए, देखिए लोगों के दरवाजे पे पानी भरे हुए हैं, नाला है, कीचड़ है, विकास किधर हुआ? दलाल के माध्यम से। अरे चार दलाल रोड पे बैठ के ठेकेदारी करें कि हम तो जीत रहे हैं चुनाव, नेता जी आपको वोट मिल रहा है, वहां नहीं होता है विकास। विकास क्षेत्र में जाके घूमिए, गांव ग्राम सभा में जाइए, आप बेचारे कितने परेशान हैं लोग। यानी इस बार आप गुड्डू जमाली को टक्कर देंगे? टक्कर तो ऊपर वाला बताएगा हम किसको किसको देंगे। अभी जो लोग हमके हल्के में ले रहे हैं ना, तो उनको 10 तारीख को ही मालूम पड़ जाएगा कि आने वाला दिन कैसा होगा उनका। चलिए धन्यवाद आपका। आप गोपालपुर से मेरे ख्याल से शायद जिला अध्यक्ष या विधानसभा अध्यक्ष थे ना, आपका शुभ नाम पहले बता दीजिए। चंद्रभान राजभर। थोड़ा उधर देख के। चंद्रभान राजभर जी, गोपालपुर विधानसभा, और 2015 में जिला पंचायत वहां से लड़े थे। तो क्यों आखिर आपने राजभर की पार्टी छोड़ दी? राजभर की पार्टी छोड़ दी, मैं जिला पंचायत लड़ा 2015 में, तो माननीय ओम प्रकाश जी हमारे खिलाफ जो प्रत्याशी खड़ा कर दिया। और अरे अपने ही कैंडिडेट के खिलाफ प्रत्याशी खड़ा कर दिए जी, उनको यही काम है, उनका है, दलालियों का काम है। अभी जैसे थोड़े दिन पहले राम दुलारे जी, सीधे सीधे आप इतने बड़े नेता को दलाल कह रहे हैं? एकदम कहेंगे, हमारे भाई जो राम दुलार राजभर हैं, पहले उनके यहाँ गए थे, उनसे उनकी बातचीत चली, सब कुछ हुआ, तो उनको कुछ बताना चाहिए ना। जब बाद में मीटिंग शीटिंग अपनी करवाए, वहाँ अपनी व्यवस्था से लिए, और उसके बाद इनको जो ठुकरा दिए। यानी दोनों लोगों के साथ में धोखा हुआ? धोखा हुआ। जैसे ओम प्रकाश जी आपके पास आ जाए और कहें कि आओ मेरे साथ में, तब आप क्या करेंगे? हम उनके साथ नहीं जाएंगे। यानी अब बाबू सिंह कुशवाहा के साथ? कुशवाहा की बात हमको पसंद आई, जन अधिकार पार्टी हमको पसंद आया, और उनके बाद विचार जो है कि यहाँ विकास करेंगे वो। और जैसे भारतीय जनता पार्टी है, झूठों की पार्टी है, सिर्फ जुमलाबाजी करती है। तो अभी तो हर पार्टी, जैसे अभी कल राजनाथ सिंह जी आए थे रक्षा मंत्री, वो कह रहे हैं होली दिवाली पे सिलेंडर फ्री, अखिलेश कहते हैं 300 यूनिट बिजली फ्री। तो इलेक्शन से पहले जनता की याद किसी को नहीं आती, लेकिन जब इलेक्शन आता है तो जैसे वो 15 लाख का एक जुमला था, अमित शाह जी ने कहा था कि वो तो एक चुनावी जुमला था, तो क्या माना जाए कि ये भी एक चुनावी जुमला है? ये चुनावी जुमला है। अगर उनको सिलेंडर सस्ता करना होता तो नहीं, नहीं फ्री देने की बात कर रहे हैं, फ्री देने की बात कर रहे थे, तो आज महंगा क्यों हो गया? और उनके जो है ललका सांड जो है, सब किसानों का गेहूं सब मटर चल जा रहे हैं, तो 5 किलो तो दे रहे हैं, 5 किलो दे रहे हैं, तो बताइए जिसका 2 बीघा चल गए तो 5 किलो देने से उसका कैसा काम चलेगा? तो उसकी भरपाई कर रहे हैं, वो तो कहते हैं कि 70-75 सालों में किसी सरकार ने नहीं दिया, हमने दिया। तो हम कह रहे हैं कि 2-3 महीने से दे रहे हैं ना, डबल इंजन की सरकार 2 महीने से दे रहे हैं, तो जब ये जीते तब से क्यों ने चालू किए, और ये चुनाव के बाद खत्म कर देंगे? तो यानी खाली चुनाव पे एक जुमले दो, चुनाव पे जुमले हैं उनका। चलिए धन्यवाद आप। अब हमारे साथ में एक भाई साहब और खड़े हैं, अच्छे लाल भाई, और ये बूथ अध्यक्ष भी हैं। कहाँ के हैं आप बूथ अध्यक्ष? भरथाई से। अच्छा, जैसे अभी थोड़ी देर पहले ये बोल रहे थे पेरका चाचा राजभर जी को, तो पेरके चाचा का तो गमछा आप डाले, उस पर क्या कहेंगे? अब एक गमछा का उनका मतलब उनका नाम ना लिखा लेते हैं? नहीं नहीं, जैसे जितने भी राजभर वाले हैं आजकल समाजवाद, सुनिए सुनिए, समाजवादी वालों के साथ में आजकल जैसे लाल गमछा और पीला गमछा,
तो ये कहा जाता है कि कह रहे राजभर और समाजवादी का गठबंधन। मैं मीडिया के माध्यम से बताना देना चाहता हूँ कि ये जो गमछा है, हम राजभर के वंशज हैं, राजा सुहेलदेव के वंशज हैं। तो हम प्रकाश के वंशज नहीं हैं, हम राजा सुहेलदेव के वंशज हैं, राजभर हैं हम। अब ओम प्रकाश कहेंगे पेड़ का गमछा लेला, लड़का लेला, तो हम उनका लेकर घूम बें। ये गमछा हमारा है, उनका नहीं है, राजभर का नहीं है। ये हमारा गमछा, राजभर का गमछा है, हम उसको लेकर घूम रहे हैं। तो ओम प्रकाश राजभर तो कहते हैं ये हमारा गमछा है पेरा। अब अपन नाम लिख लो, यहाँ अपन नाम लिख लो। यहाँ 2017 में चुनाव होते रहे, कहाँ जे सपा के वोट गई, अपने माई बहन बेटा धोखा गई, घात करी, घात करी, आज सपा में गई ना है, आज सपा में गई ना है, कहे गई ना है, ये बतिया जनता को बताओ ना। वो तो आप बता सकते हैं क्योंकि आप भी राजभर, वो भी राजभर। वही तो मैं पूछना चाहता हूँ। जब 2017 में आप कहे थे कि जो राजभर समाज का जो मतलब सपा कोट करेगा, अपने बहन बिटिया को धोखा देगा, तो आप क्यों उसमें गए हैं, आप क्यों गए हैं? अब या तो ये वो आप बताएं या राजभर बताएं। इसीलिए मैं आपके मीडिया के माध्यम से उनको पूछना चाहता हूँ उनसे। तो आप जहाँ जाएंगे तहाँ हम लोग जाएंगे, हम लोग राम दुलार भैया के साथ हैं, राम दुलार भैया के साथ रहेंगे। यानी इस बार राम दुलारी जी को कह रहे एकदम लड़ाई में भरपूर सहयोग। मैं बता दूं आपके, आपके मीडिया के माध्यम से बता दे रहा हूं कि हल्दरपुर में रैली हुई थी, ये राम दुलार राजभर ने 65 गाड़ी आपने किया था, इन्होंने 65 गाड़ी किया, मतलब गाड़ी यहाँ से किया था जाने के लिए। उनको क्या सम्मान मिला, उनको कोई सम्मान मिला उनको? अच्छा, राजभर की उनकी ओम प्रकाश की पार्टी, हाँ रैली थी, क्या सम्मान मिला उनको? सम्मान नहीं मिला। हम लोग उनके साथ हैं, उनके साथ रहेंगे। तो यानी पूरा सर्व समाज, आप जो राजभर समाज है इनके साथ? हाँ, राजभर समाज पूरा ओम प्रकाश, मतलब ओम प्रकाश को छोड़ के राम दुलार राजभर के साथ। राम दुलार राजभर। तो इसमें कुछ मोरिया समाज भी है, मुस्लिम समाज भी है, मौर्या भी है। मैं बता दूं आपसे, मैं आपसे बता दूं, राजभर समाज कोई भी कोहा लोहार बढ़ई सब साथ है, सब साथ है। उसमें कुछ मुस्लिम समाज भी है? मुस्लिम साथ भी है, वो भी साथ में है, साथ में। यानी इस बार क्या रहे, टक्कर मजबूती की, मजबूती है भैया, एकदम मजबूती का चपले है इलाम। यानी कह रहे मुबारकपुर के अंदर क्या रहे, एकदम चपले हवल जा। चलिए ठीक है, धन्यवाद आपका। तो जैसे हमारे साथ में भाई साहब थे, इनको भी आपने सुना कि कितना दर्द है इनके अंदर।